हेलो, हाय एवरीवन। वी किचन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लौकी की खीर की रेसिपी या हैदराबादी कद्दू की खीर। कुछ जगहों पे लौकी को कद्दू या घिया कहा जाता है, तो आज हम आपके लिए घिया या कद्दू या लौकी की खीर की रेसिपी लाए हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन होगा, उसे क्लिक करिएगा, जिससे मेरे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आमतौर पर लौकी की खीर को व्रत में बनाकर खाते हैं, क्योंकि ये पौष्टिकता से भरपूर होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लौकी की खीर। लौकी की खीर बनाने के लिए हमने, देखिए, ये एक छोटी सी बेबी लौकी जो बहुत सॉफ्ट होती है वो ली है, और उसे हमने छील कर मोटा मोटा कद्दूकस कर लिया। अगर आप बारीक कद्दूकस करना चाहें तो बारीक भी आप कद्दूकस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मोटा कद्दूकस किया। और अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हमने 1 टेबल स्पून जो है देसी घी डाला है। और अब हम इसमें लौकी डाल देंगे और अच्छे से इसे भूनेंगे। भूनने पर ये देखिए, ये कम हो जाएगी, लौकी पिचक जाएगी। ये देखिए, लौकी काफी कम हो गई। और अब हम इसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल देंगे। हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर डालेंगे। फिर इसे अच्छे से चलाकर उबाल लेंगे। इसे हम उबाल आने देंगे। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे कटे हुए, ये ऑप्शनल है। और हम इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये लौकी और दूध एक सा नहीं हो जाए। करीब इसे 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे, जिससे कि लौकी और दूध एक में मिक्स हो जाए, जैसे हम राइस वगैरह की खीर बनाते हैं। ये देखिए, लौकी और दूध एक में ही हो गया है, अलग अलग नहीं है। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट तक तेज आंच पर पकाएंगे, जिससे कि चीनी पक जाए। ये देखिए, हम इसे कम से कम 2 मिनट तक पकाएंगे। अब ये बहुत ही अच्छे से पक गई है। अब गैस को हम कर देंगे बंद और हम इसे ठंडा या गर्म, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरह से सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए, लौकी की खीर तैयार है। ऊपर से हमने कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। और एक बार आप भी बनाइएगा जरूर। इसमें हमने कोई भी फूड कलर ग्रीन यूज नहीं किया है। बहुत से लोग डाल देते हैं, तो आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें, ये ऐसे भी अच्छी लगती है। तो आप भी एक बार ये खीर बनाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।